और सीधे मीनाक्षी के पास चलेंगे, लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। मीनाक्षी देखिए, बाघ का आतंक तो वहां लगातार देखा जा रहा है, अब जो जानकारी मिल रही है कि एक तेंदुआ भी वहां पर पहुंच गया है, लेकिन बाघ बड़ा शातिर बताया जा रहा है, पिंजरा लगाया गया है, उसके नजदीक तक जाता है लेकिन पिंजरे के पास नहीं जाता है। देखिए, और यही वजह है क्योंकि जब इस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल वन विभाग पर भी उठते हैं। यहाँ के लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि वन विभाग सही सही जानकारी दे, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क यहाँ से बहुत दूर नहीं है, और वहां से उस टेरिटरी को छोड़कर के आखिरकार कितने बाघ है, कितने तेंदुए हैं जो छोड़ करके जा चुके हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक बाघ नहीं है बल्कि बाघों की संख्या ज्यादा है। जो तस्वीर तेंदुए की निकल करके सामने आई है वो लगभग यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है, वहां तेंदुए को देखा गया, लोगों ने उसका बाकायदा वीडियो भी बनाया है और वहां पर प्रहार भी किया गया था। ये जो तस्वीरें है यहाँ की हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन ये अगर मैं यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हूँ तो इसकी वजह ये है कि यहाँ वन विभाग की जो टीम है वो कहीं ना कहीं यहाँ सक्रिय नजर आ रही है। एक टीम अंदर गई हुई है, एक टीम बाहर बैठी हुई है, यहाँ पर इंतजार कर रही है कि दूसरी टीम जब गश्त लगा करके आएगी तो वो भी जाएंगे। लेकिन ये जो गन्ने के खेत है वो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये इतने सघन होते हैं, इतने घने होते हैं, ये इतने पास पास होते हैं गन्ने कि अगर आप चाहें भी तो आप कहीं से भी किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार यहाँ से अगर कोई जो बाघ है वो होकर के गुजरता है या यहाँ अंदर छिप करके बैठा होता है, तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं ड्रोन कैमरों के माध्यम से या किसी भी कैमरे के माध्यम से कि क्या बाघ अंदर मौजूद है। लेकिन जो लोग हैं उनसे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आप ग्रुप्स में ही जाएं। अब आप देख सकते हैं कि देखिए, ये जो गन्ने की खेती होती है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक साथ कम से कम 6 या 7 गन्ने होते हैं, बिल्कुल जगह नहीं होती है, और जब जगह नहीं होती तो अगर इन्हीं झाड़ियों के बीच में घुस करके छिप करके बाघ बैठा हुआ है तो क्या आप किसी कैमरे की निगरानी से इन्हें देख सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है लखीमपुर को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बहराइच हो या फिर सीतापुर हो या फिर लखीमपुर हो, लेकिन बहराइच में जिस तरीके से टीम काम करते हुए नजर आ रही है उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काम करते हुए टीमें नजर आ रही हैं। और यहाँ एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूंगी शिखा, कि यहाँ खासकर ये जो सेंसिटिव जोन है, ये सेंसिटिव जोन 4 भागों में बांटा गया है जहाँ 4 पिंजरे लगाए गए हैं। अब ये मिट्टी दिखाइएगा, क्योंकि इसे कल्टीवेटर चलाया गया है, इस पर इसे समतल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जहां से भी बाघ गुजर रहा है ये थोड़ा उबड़ खाबड़ एरिया था जहां पर कुछ झाड़ियां उगी हुई थी, अब इसे समतल इसलिए किया गया है ताकि समतल करके ये अंदाजा लगाया जा सके कि इस पर जो पंजे के निशान है वो अगर बनते हैं, वो यहां से अगर गुजरता है तो और अगर पिंजरों की आवश्यकता होती है तो और पिंजरे लगाए जाएंगे। लेकिन ये पूरा एरिया आप जहां तक देखेंगे, और ये वो जगह भी है जहां पर 27 तारीख को अमरीश की जो शव है वो बरामद किया गया था, अमरीश को उसके परिजन ढूंढते हुए आए थे और यहीं उसके वो खेत हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर अगर हम बात करें तो लगभग 100 मीटर वो दूरी होगी जहां पर अमरीश का खेत है, वो अपने काम से वापस लौट रहा था। बिल्कुल मीनाक्षी, आप तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं कि किस तरीके से कितना आसान है उनके लिए वहां पर छुपना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से 50 गांव ऐसे हैं जो इस समय दहशत में जीने के लिए मजबूर है। हालात ये हो गए हैं कि इस समय ब्रिटिश काल का वो समय याद आ रहा है जब एक साथ 1 लाख भेड़ियों का शिकार किया गया था। सवाल ये भी उठता है कि क्या वन विभाग के पास यही एक इलाज बचा है, शिकार करना। एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखा। आदमखोरों के आतंक का अंत कब? कब खत्म होगा आदमखोरों का खौफ? अकेले बाहर निकले तो समझो जान गई। दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़िए, जो हर दिन नई तकनीक, नई जगह, नए शिकार। इंद्र सिंह, बहराइच, 4 साल की बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया। लगातार आप देखिए किस तरीके से बच्चों को ही ये भेड़िए हैं वो अपना शिकार बनाते हैं। 17 अगस्त इंद्र सिंह बहराइच में ही गन्ने के खेत में इसी बच्ची का शव फिर मिला था। 21 अगस्त भटौली बहराइच, 5 साल की बच्ची को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया, यानी कि 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को अपना शिकार बना रहे हैं। कई किलोमीटर दूर बच्ची का शव भटौली में ही वहां पर मिला था। 25 अगस्त की अगर बात करें तो देखिए कुम्हारनपुरवा बहराइच में 60 साल की बुजुर्ग महिला पर भी भेड़िए ने हमला किया और बुजुर्ग महिला का शव जो है वो झाड़ियों में मिला था। खैरी घाट में ही 26 अगस्त को एक बुजुर्ग महिला का
को शिकार किया था। वही 26 अगस्त को ही घर में सो रहे 7 साल के मासूम बच्चे का शिकार किया, 500 मीटर दूर बच्चे का शव मिला था। वहीं 1 सितंबर मेहसी में 3 साल की बच्ची को भेड़िया अपने साथ उठाकर ले गया। भेड़िए ने बच्ची के दोनों हाथ खा लिए। आप समझिए कि कितनी दहशत और वहां के लोगों में होगी इस समय, खौफ जो है वो भी वहां के लोगों में होगा। तो किस तरीके से जो लोग हैं वहां डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। ये 10 मौतें हमने आपको बताई जिससे लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से लोग दहशत में जीने को मजबूर है, वन विभाग की टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। अभी तक 4 भेड़िए जो है वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी बाकियों को पकड़ने की तलाश है। और सीधे बहराइच हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, किस तरीके से ये शातिर है, लगातार वन विभाग की टीम जो है इनको पकड़ना चाहती है, लेकिन मुझे वो ब्रिटिश काल भी याद आ रहा है जब एक साथ 1,00,000 भेड़ियों का शिकार किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब शिकार ही इनका इलाज है? बिल्कुल, देखिए इसलिए शिकार होना जरूरी हो गया है क्योंकि ये कतरनिया घाट से लेकर ये कटाई घाट जहां मैं खड़ा हूं, इस 100 किलोमीटर का एरिया, कम से कम सैकड़ों गांव हैं। इतने बड़े रेंज में खूंखार बिहार जंगलों में, आप गन्ना के खेतों में, आप कटीले झाड़ियों में कैसे आप भेड़ियों को पकड़ेंगे? मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये घाघरा नदी है जो नेपाल से आती है और यही घाघरा नदी आगे सरयू बन जाती है। काफी देख रहे, जहां देखिए समुन्द्र जैसा नजारा दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यह बताया गया है कि एक साथ यहाँ पर इनका जो मान है यानी इनका घर, भेड़ियों का सुरक्षित स्थान ये घर यहाँ हुआ करता था। यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक भेड़िये हुआ करते थे, लेकिन जब ये घाघरा नदी में पानी बहा बढ़ गया और तब ये निकल के बस्तियों की ओर आ गए। ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ से खेती और बस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। ये देखिए लोगों की यहाँ पर खेतियाँ हो रही, बस्तियाँ हो रही हैं, लेकिन भेड़िया, मैं आपको एक दृश्य और दिखाऊंगा कि यहाँ पर, ये देखिए मेरे साथ एक बकरी का बच्चा है, आप ये देखिए ये बकरी का बच्चा है। लेकिन भेड़िया, आज की रात में जो गांव में एक लड़की के ऊपर हमला किया है, उसके बाद एक बकरी के बच्चे को ही ले गया है, लेकिन ज्यादातर वो शिकार बकरी के बच्चे का नहीं कर रहा है, पशुओं को नहीं कर रहा है, वह शिकार कर रहा है इन बच्चों का। ये जो मासूम बच्चे हैं इनको अपना निवाला बना रहा है वो खूंखार आदमखोर नरभक्षी भेड़िया, इन बकरियों को। और आप देखिए कैसे यहाँ पर तमाम ये बकरियां यहाँ पर है, संख्या बहुत ज्यादा है आवारा पशुओं की यहाँ पर, ये जो पशु है, लेकिन उनको अपना निवाला नहीं बना रहा है वो आदमखोर जो भेड़िया है, वो इन बच्चों को अपना निवाला बना रहा है। ऐसे मासूम बच्चे जो अपने घर में अपने माओ के साथ अपने पिता के साथ लेटे हैं डर के मारा, उनको खींच ले जा रहा है, उनको मार दे रहा है, उनको अपना निवाला बना रहा है। कहीं ना कहीं वन विभाग का जो ऑपरेशन है वो ठंडा पड़ चुका है, वो ठंडा पड़ चुका है जो इनका ऑपरेशन है। और भेड़ियों का जो वार है, भेड़ियों का जो वार है वो तेज हो गया है, भेड़ियों का वार तेज हो गया है। जिस तरह से लगातार 3 दिन से बिना किसी गैप के लगातार हमला हो रहा है, लगातार हमला ये भेड़िए कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया, आज वन मंत्री को आना था, वन मंत्री ने अपना आना कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया, कुछ जरूरी काम है। दादा क्या कहेंगे जिस तरह से भेड़िए हमला कर रहे हैं? हाँ जी, भेड़िया रोज एक तो मारे जाते हैं सर, डेली हमला कर रहे हैं, मारे जाते हैं सर, डर का माहौल है। हाँ, और खेत सब पड़ाल हो गए, धान के सब बेकार हो रहे हैं खेत, और खेती भी। हाँ खेती जी, आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर ये भेड़िये हैं, ये पशु हैं, लेकिन इनको नुकसान नहीं कर रहा है आदमखोर भेड़िया, भेड़िया सिर्फ छोटे बच्चों को अपना शिकार कर रहा है। वन विभाग देखिए अलग अलग रणनीति की बात कर रहा है, अलग अलग अपने फौज की बात कर रहा है, कहता है कि हमारी ये प्लानिंग है, हम 3 तरह के ड्रोन उड़ा रहे हैं, 10 ड्रोन उड़ा रहे हैं, 300 पुलिसकर्मी हैं, 200 वन विभाग के कर्मचारी हैं, पीएससी की यहाँ पर कंपनी है, लेकिन सब बेकार। जो ये लंगड़ा भेड़िया है, जो ग्रुप का सरगना है, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो चकमा दे के भाग जा रहा है। देखो तमाम लोग हैं, ये देखिए बच्चे हैं यहाँ पर, क्या बेटा इधर आओ, स्कूल जाते हो? डर लगता है स्कूल जाने में, डर लगता है, भेड़िया आता है आजकल गांव में, भेड़िया आता है, डर लगता है जी। क्या कहोगे बेटा? हाँ, क्या यार आया था भी, डर लगता है जी। फिर भी घूम रहे हो यहाँ पर जी, चोरी चराने के लिए आए थे, चराने के लिए आए, वो भी जरूरी है। क्या कहोगे बेटा, डर लगता है जी? डर लगता है सर जी, बहन इसमें घुस गया था भेड़िया, घुस गया, बच्चे भी देख रहे हैं, भेड़िया आता जाता है। दादा ये बताइए, भेड़िया आपने कब कब देखा आते हुए?
उस दिन हमारे दरवाजे आ रहा था, खेता गया था तो देखे थे आपने। और भी अगल बगल गांवों में भी आता है? हाँ, गांव में आते हैं। ये बताइए, भेड़िया क्या पहले अपना घर बना के अपना मान बना के इधर रहते थे क्या? नहीं नहीं, ये कछार के साइड में तो वो कुछ लोग बोले रहते थे। ये जंगल से आते हैं सर, जंगल से उधर जहाँ घना है। हाँ, घने साइड से आते हैं। हाँ, पूर्व की तरफ से, यही गंगा जी के ये सॉरी ये जो घाघरा का जो किनारा है, घाघरा है, घाघरा के कछार में। हाँ, ये खड़ी है, इनके पास आया था घर पर, इनके घर पे ये जो माता जी खड़ी है, ये जो महिला है, इनके घर पे चले पूछते हैं क्या। चलते हैं हम, चलिए हम इसी से इन्हीं से पूछते हैं, ये भी लेकर आ रही हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब वो आया था तो इन्होंने देखा था कि नहीं, क्या किया था। ये बताइए माता जी, क्या आपने भेड़िए को देखा था क्या? कब आया था आपके पास? कब आया? परो रात में 3 बजे। परो रात में 3 बजे, 3 बजे। कहाँ आया था? घर के तो हमें, हम सब घर कुरिया मेरे सबके है नहीं, कट पीट गवा है। तो ये हम पहुड़ी थे पंचायत भवन में, यहाँ बच्चे लेके अपन, तो वह हमें कूद गवा, तो रहन जागी जा रहा है, बुखार ज्यादा आ रहा है, तो रहन जागी जब भच दे कूदा तैसे दौली इनका लुहा लुहा करे, तब वो भाग गया। हाँ, लोग थे उस समय जब आप लोग सो रही थी? स्वागत कोई ना रहे, सब कोई मैंने जगते रहे। जैसे हमें जड़ा बुखार तो कोई दवाई देते रहे। कितने थे वहाँ पे बच्चे? हैं कम से कम 8-10 बच्चे रहे वहाँ पे मौके पर। और उसी बीच में कूद गया? ना कूद, बीच में ना कूदा, दीवार कूदा, जैसे ये हमारे सबके खटिया पर ही है, जैसे कूदा। अगर आप जगी ना होती तो ले जाता, तो ले चला जाता। इस तरह के दादा भी बता रहे हैं, ये माता जी भी बता रही हैं किस तरह से भेड़िए का आतंक है। आप देखिए, यहाँ लोग रिस्क लेकर अपने बकरियों को यहाँ पर चारा खिला रहे हैं, पशुओं को, गायों को चारा खिला रहे हैं, लेकिन बगल में सोचिए घाघरा नदी है, यहाँ पर पानी दिख रहा है साथ में, थोड़ा अगर 2 फीट पानी और बढ़ जाए तो शायद बस्तियों में घाघरा का पानी आ जाएगा। ये पूरा क्षेत्र किसान का पूरा क्षेत्र, ये जो कृषि भूमि है ये भी पूरा डूब सकता है एरिया। हालांकि चारों तरफ यहाँ तालाब और पानी की कमी नहीं है, लेकिन भेड़िया